जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की आगे का वीडियो देखेंगे। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे नियोजन मतलब रोजगार, रोजगार की गारंटी, उसकी स्कीमें और बेकारी भत्ता। बेकारी या बेरोजगारी भत्ता, यदि आपको काम नहीं दिया जाता तो उसके एवज में आपको एक भत्ता दिया जाता है, उसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। नियोजन का अर्थ होता है रोजगार। गारंटी का मतलब आपको पता है, कोई निश्चित रूप पे आपको कार्य प्रदाय किया जाना। तो धारा 4 से 9 में हम इसमें अध्ययन करेंगे। मैं धारा वाइज में नहीं बताया हूँ क्योंकि इसमें धारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें टोटल लिख दिया हूँ कि अध्याय 3 में धारा 4 से 9 तक की बातें आती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीम, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अधिनियम बनने के 6 माह बाद रोजगार देना है, ऐसा अधिनियम में लिखा है। जैसे जब यह अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया तो उसमें एक रूल लिखा गया था कि जैसे ही आपका अधिनियम बन के तैयार होता है तो उसके 6 महीने बाद या 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर वर्ड ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, 6 महीने के भीतर आपको रोजगार प्रदाय करना है और उसकी एक न्यूनतम मजदूरी दर देनी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक कानून बनाया गया जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भत्ता अधिनियम 2013। ये आपका छत्तीसगढ़ द्वारा भी है और ये आपके भारत शासन द्वारा भी बनाया गया एक अधिनियम है। ये नियम आपके भारत शासन द्वारा बनाया गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र कौन होगा, ये देखिए भत्ता के लिए पात्र कौन होगा। भत्ते का आपको शाब्दिक अर्थ मिलना चाहिए। भत्ता का मतलब ये होता है आप कार्य नहीं करोगे फिर भी आपको उसका एक निश्चित रूप में कुछ राशि भुगतान किया जाएगा, उसको हम भत्ता कहते हैं, उसका आप शाब्दिक अर्थ ये होता है। आगे समझते हैं कि इस भत्ते के लिए पात्र कौन होगा। पात्र ये होगा कि आवेदन के 15 दिन तक कार्य प्राप्त नहीं होने पर, आवेदन के 15 दिन पर कार्य प्राप्त नहीं होने पर, जैसे आप एक गांव के ग्रामीण हैं, आपने आपके ग्राम पंचायत में सचिव को एक आवेदन दिया कि मेरा जॉब कार्ड है और मैं कार्य करने के इच्छुक हूँ। उसके 15 दिन बाद भी यदि आपको ग्राम पंचायत या कार्य एजेंसी द्वारा काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, आपको काम के लिए नहीं बुलाया जाता कि आपको काम करना है, इस प्रकार की अगर कोई बातें होती है तो आप पात्रता रखते हैं भत्ता रखने का। अब आवेदन कैसे करना है, कौन सा आवेदन, भत्ते के लिए। पहले ही आवेदन आपने कार्य के लिए किया था, उसके बाद यदि आपको कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता समय में तो आपको भत्ता प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करना होता है। तो भत्ता प्राप्त करने के लिए भी आपको आवेदन करना होगा। अब वो आवेदन कब करेंगे, नियत तिथि से 30 दिवस के भीतर, नियत तिथि से 30 दिवस के भीतर, मतलब जैसे ही आप कार्य के लिए आवेदन किए और 15 दिन बीत गया, अब 16वें दिन चालू हो गया, तो यहाँ से इस 15 दिन से आपको 30 दिन के भीतर जब आप आवेदन करे रहेंगे उसके 30 जब आपका ये 15 दिन पार हो जाएगा उसके 30 दिन के भीतर आपको एक आवेदन ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को करना होगा। अलग अलग कार्य थे, अलग अलग आपको भत्ता के लिए आपको आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, वो क्या हो सकता है, ये देखिए, रोजगार मांग पत्र। पहले जो आपने आवेदन किया था ग्राम पंचायत में कि मुझे कार्य चाहिए, उसकी एक पावती जो सचिव आपकी उसकी पावती देता है, उसको इस भत्ता मांग के आवेदन में संलग्न करना होगा या मतलब उसके पीछे लगाना होगा। साफ साफ भाषा में ये कहते हैं उसके साथ उसको जमा करना होगा। तो पहला आपका हो गया रोजगार मांग पावती, दूसरा हो गया कार्यस्थल पर उपस्थिति। अब ऐसा नहीं कि आपने अपने ग्राम पंचायत में कार्य की मांग की और आप 15 दिन तक आपके घर में ही बैठे हैं, तो ये तो गलत बात है। जैसे ही आप मांग करते हैं तो कार्यस्थल या ग्राम पंचायत में या भी जहाँ भी कार्य हो रहा है, ये दोनों स्थल में आपको उपस्थिति होना अनिवार्य है 15 दिन तक लगातार। या आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपने कार्य के लिए आवेदन दिया और सचिव ने आपको पावती दी, तो आपको प्रतिदिन जहां वो सचिव बोलता है कि अमुक स्थान पर तालाब खुनाई का काम हो रहा है, आप वहां उपस्थित हुई है तो वहां आपको उपस्थित होना है। यदि कार्य आपको निश्चित नहीं करता कि काम कहां देना है तो फिलहाल आपको ग्राम पंचायत में ही जाकर उपस्थिति देनी होगी।
ग्राम पंचायत में ही उपस्थिति देनी होगी। तो यदि आप कार्यस्थल पर लगातार 15 दिन तक उपस्थित हो रहे हैं, उसका एक उपस्थित पावती पत्र जो भी है वो आपको उस आवेदन के पीछे लगाना होगा, यदि 15 दिन तक कार्य नहीं मिलता है तो। ठीक है, यदि ये सब काम आप नहीं करते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता की पात्रता नहीं होगी, आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये आवेदन हो गया। अब भुगतान कैसे होता है ये देखिए। जैसे ही आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन देंगे वो जनपद कार्यक्रम अधिकारी के पास निर्णय के लिए जाएगा। आप अपने अपने ग्राम पंचायत के सचिव है, रोजगार सहायक है, उनके पास आप आवेदन जमा करेंगे इस सारे पावती लगा के। उसके बाद ये कार्यक्रम अधिकारी के पास जाएगा। 10 दिन के भीतर ये रोजगार कार्यक्रम अधिकारी उस पर 10 दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी उस पर फैसला लेगा। ठीक है, कार्यक्रम अधिकारी उस 10 दिन के भीतर आपके आवेदन पर निर्णय लेगा। यदि आपका आवेदन सही सही पाया जाता है, आप कार्य में उपस्थित है, आपको कार्य शासन की गलती की वजह से आपको भुगतान नहीं किया गया या फिर आपको कार्य नहीं मिला, तो इस स्थिति में आपको भत्ता दिया जाएगा। अब भत्ते कैसा होगा ये आप समझिए। पहले 30 दिन हेतु आपको 25% दिया जाएगा। पहले 30 दिन मतलब 15 दिन के बाद से 30 दिन तक के लिए, 15 दिन के बाद से 30 दिन तक के लिए आपके मजदूरी का 25% दिया जाएगा। जैसे आपकी अगर मजदूरी प्रतिदिन 100 रुपया है तो इसका 25% होता है 25 रुपया। तो आपको प्रतिदिन 25 रुपये के दर से भुगतान किया जाएगा 30 दिन तक। उसके बाद भी यदि वो लोग रोजगार प्रदाय नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन है, थोड़ा और हम देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं डे वार बता रहा हूँ। जैसे आपने भत्ते के लिए आवेदन लगाया, 15 दिन बीत गया, भत्ते के लिए आवेदन लग गया, 10 दिन बाद जो कार्यक्रम अधिकारी है वो निर्णय ले लेता है कि इनको भत्ता दिया जाए या भत्ता दिया जाए, तो उसके बाद आपको मान लेते हैं 10 दिन का भत्ता मिला और 11वें दिन से आपको कार्य दिया गया, तो आपको कार्य करना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे आप कार्य प्रदान नहीं करा रहे हैं तो आप मुझे भत्ता ही देते जाइए, ऐसा नहीं होगा। यदि वो जितने दिन तक आपको उपलब्ध नहीं करा पाएगा कार्य, उतने दिन का भत्ता देगा और प्रथम 30 दिन के लिए 25% होगा। और जैसे 30 दिन बीत जाता है उसके बाद भी शासन आपको मजदूरी या फिर कार्य उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उस स्थिति में आपकी मजदूरी का आधा पैसा आपको दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब देखिए, भत्ता 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं होगी। ये क्या बात है भाई, भत्ता 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं होगी। यदि मान लेते हैं आपका प्रतिदिन दर है 100 रुपया और इस नियम के अनुसार एक परिवार को 100 दिन की रोज़ी मिलती है, तो कितना हो गया ये देखिए। तो आप अधिकतम 10,000 की पात्रता रखते हैं, तो भत्ता इतना अधिक नहीं होना चाहिए 10,000 से। और ये भी, यदि आपने 50 दिन कार्य कर लिया है तो आपने 50% तो राशि प्राप्त कर ली है आपने कार्य करके, बचा 50%, तो वो मतलब आपने 5,000 रुपया तो प्राप्त कर लिया है, साथ में आपका 5,000 और बचा, तो अधिकतम आपको 5,000 का ही भत्ता दिया जा सकता है। शायद आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको और बता दूंगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको अधिकतम 100 दिन की मजदूरी के बराबर ही भत्ता दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, यदि आप एक भी दिन काम नहीं किए हैं तो। लेकिन ये कोई व्यक्ति है ए, इन्होंने मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन का कार्य कर लिया है, तो ये 5,000 तो पहले ही मिल चुका है इनको। लेकिन जैसे ही ये दोबारा आवेदन करते हैं कार्य के लिए तो इनको 15 दिन तक कार्य नहीं दिया जाता और किसी कारणवश इनको काम दिया ही नहीं जाता, ऐसा समस्या आ गया। तो इनको अधिकतम कितना भुगतान किया जा सकता था भत्ता का, 10,000, लेकिन 5,000 इन्होंने मजदूरी प्राप्त कर ली है, तो जो शेष बचेगा 5,000 उसी राशि का भत्ता का ये पात्र होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसका तरीका कैसा होगा, भुगतान किस तरह आपको किया जाएगा, तो भुगतान का आप तरीका देख लीजिए।
भुगतान का तरीका किस तरह होगा, भुगतान या मजदूरी का तरह तरीका, जिसे भत्ता आपको जो दिया जाता है वो तरीका जैसे डीबीटी होगा, वो भी जैसे आपको सैलरी दिया जाता है, जैसे आपको मानदेय भुगतान किया जाता था, रोजी भुगतान किया जाता था डीबीटी की तरह, उसी तरह आपको बेरोजगारी भत्ता भी आपको डीबीटी की तरह ही दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से और कैश का रिजॉल्व नहीं, कैश का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा यदि कुछ कुछ ऐसी कारणें हैं, कुछ कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसके जो अगर ऐसा परिस्थिति बन जाता है तो आपको भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा। उसमें देखते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब है जैसे आपने कार्य के लिए मांग किया, और जैसे ही मांग किया तो उस दौरान कोई भीषण अकाल पड़ गया, बारिश हो गई, और कोई ऐसा हो गया प्राकृतिक आपदा, तो इस स्थिति में कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको रोजगार नहीं दिला सकता, चाहे कोई भी हो, तो इस स्थिति में इसको बाहर रखा गया है। प्राकृतिक आपदा के समय आप भत्ता के पात्र नहीं होंगे। विषम परिस्थिति, जैसे कोई दंगा हो गया, और कोई हो गया, दंगा हो गया, मारपीट हो गया, इस स्थिति में यदि शासन व्यवस्था बनाने में लगी है, उस स्थिति में भी आपको भत्ते का पात्र नहीं माना जाएगा। 15 दिन के भीतर आवेदक अगर कार्यस्थल पर ना पहुंचा हो तो, जैसे आपने आवेदन कर दिया कि मुझे कार्य चाहिए, और आप 15 दिन में एक भी दिन आप उस कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं कि कार्य वाले कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में भी आपको भुगतान नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों हो सकता है, देखिए आपने शासन से मांग की, पैसे कार्य की, शासन कार्य कराने के लिए आपसे रेडी हो गए, लेकिन आप कार्यस्थल तक ही नहीं पहुंचेंगे, जहां जहां तालाब खुदाई का काम चल रहा है, वृक्षारोपण का काम चल रहा है, भवन निर्माण का काम चल रहा है, यदि आप कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं तो ये शासन की गलती नहीं है। अगर ऐसा स्थिति है तो भी आपको भत्ता प्रदान नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के 1 सप्ताह से अधिक दिन गायब हो तो, यदि आप पंचायत के बिना, जैसे आपने 15 दिन के लिए मांग कर ली पैसे का कार्य की काम मांग आपने कर ली, और उसके भीतर आप 1 हफ्ते से छुट्टी पे चले गए बिना बताए, तो इस स्थिति में भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और ऐसा कोई पाया जाता है तो आपको आने वाले 3 माह के लिए भत्ते के लिए आप पात्र नहीं होंगे, लेकिन काम जरूर मिलेगा। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं एक बार और बता रहा हूँ इसको। जैसे आपने आवेदन किया सचिव कार्यालय में कि मुझे कार्य चाहिए, और कार्य चाहिए करके आपने आवेदन कर लिया, लेकिन आवेदन के दिन बाद आपको कुछ काम आ गया या कुछ जरूरी कहीं शादी में चले गए, घूमने चले गए, तो उस 15 दिन के भीतर आप एक भी दिन कार्यस्थल पर नहीं पहुँचे, और बिना बताए, बिना छुट्टी लिए, बिना शासन प्रशासन को अवगत कराए, क्योंकि जैसे ही आपने आवेदन दिया तो शासन प्रशासन आपके काम खोजने में लग गए, व्यवस्था करने में लग गए, इस स्थिति में आप बिना बताए बाहर चले गए, तो इस तरह की अगर कोई स्थिति आती है तो आपको आने वाले आपका पनिशमेंट ये होगा कि आपको आने वाले 3 माह तक आपको भत्ता का, यदि आप पात्र भी होंगे तो आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, लेकिन काम जरूर दिया जाएगा, यह बात याद रखिएगा। उसी दौरान परिवार का कोई एक और पॉइंट है, उसी दौरान परिवार का कोई मनरेगा में कार्य कर रहा हो तो अच्छा चलिए ये है, जैसे आपका एक परिवार है, ये आपका परिवार है, इसमें आपके 4 सदस्य हैं, एक परिवार है और इसमें 4 सदस्य हैं, एक परिवार है उसमें आपके 4 सदस्य, ये देखिए 1, 2, 3, 4, A, B, C और ये D। यदि ए जो है मनरेगा में काम कर रहा है और डी जो है एक आवेदन किया है कि मुझे कार्य चाहिए और इसके अनुरूप कोई कार्य नहीं मिल रहा शासन को, या फिर इनको शासन के द्वारा काम नहीं कराया गया, तो ये भत्ते के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि इसी परिवार का एक व्यक्ति अभी वर्तमान में काम कर रहा है मनरेगा दर में, और मनरेगा का एक स्पेसिफिक रूल है कि हमको प्रति परिवार 100 दिन काम देना है, प्रति व्यक्ति काम नहीं देना है। इसलिए यदि कोई घर का कोई व्यक्ति अगर पहले से ही उस कार्य में नियोजित है, उस योजना के अंतर्गत, उसी दौरान जिस दौरान आपने आवेदन किया है, तो आपके आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आप भत्ते के लिए मांग नहीं कर सकते यदि आपको काम नहीं मिला है तो।
ये हो गया। एक और कंडीशन आती है, परिवार का यदि 100 दिन पूर्ण हो गया हो तो, एज अ रूल कि आपको 100 दिन, एक परिवार को 100 दिन का काम किया दिया गया है, आपने 100 दिन पूरा उपभोग कर लिया, आपके सारे सदस्य मिलके आपने सारे सदस्य या फिर आप अकेले 100 दिन पूरा कार्य कर लिए, उसके बाद फिर कार्य की मांग कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको इस प्रकार का न तो कार्य दिया जा सकता है, कार्य तो दिया ही जा सकता है क्योंकि कार्य हमारे यहाँ 150 दिन हो गया है, लेकिन आप भत्ते के लिए पात्र नहीं हो क्योंकि आप 100 दिन का काम कर चुके हैं। आगे देखते हैं, अपील करते हैं। अब अपील क्या होता है ये देखिए, अपील भत्ता के संबंधित में होगा। जैसे भत्ता नहीं मिलने पर आप 15 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेंगे। आप पहले भत्ता के लिए आवेदन किसको देंगे, आपके ग्राम पंचायत में, और वो जाएगा आपके जनपद पंचायत पीओ के पास, जनपद पंचायत पीओ के पास वो जाएगा। यदि वो पीओ आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं करता है या फिर आपको भत्ता नियमानुसार भुगतान नहीं करता है तो आप आपके जिला कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। जिला कलेक्टर को 15 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे आप भत्ते के लिए आवेदन करेंगे तो मात्र 10 दिन में आपका पीओ जो है, जनपद पंचायत स्तर का जो पीओ होता है, वो आपके आवेदन पर 10 दिन के भीतर कोई निर्णय लेता है कि देना है नहीं देना है, जो भी हो कारणयुक्त सहित। उस 10 दिन के दौरान यदि आपको नहीं मिलता है तो उसके 5 दिन बाद टोटल 15 दिन के भीतर आप कलेक्टर को, आवेदन के 15 दिन के भीतर आप कलेक्टर को अपील कर सकेंगे। अगर कलेक्टर भी अगर ये सब बातों में ध्यान नहीं देता या फिर आपकी अपील को पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप कलेक्टर के विरुद्ध आयुक्त संभाग को, संभाग आयुक्त को 30 दिन के भीतर आप उसको 30 दिन के भीतर आपको संभाग को आवेदन करना होगा। ये है आपका अपील। आगे चलते हैं, मजदूरी क्या होगी ये देख लीजिए। पहले वैसे मैंने पहले मजदूरी बता दी है, अब एक बार और आ गया है मजदूरी। इसमें मजदूरी धारा 6 में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा 6 में मजदूरी का उल्लेख है, धारा 6 में मजदूरी का उल्लेख है। इसके अनुसार मजदूरी के लिए राज्य सरकार नियम बनाती है कि कितना मजदूरी किनको देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 204 रुपये है, पहले 193 थी, 11 रुपये की बढ़त मिली है। और सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक राशि मिलती है, मजदूरी मिलती है सिक्किम में 333 रुपये, हरियाणा में 331 है और गोवा में 315 रुपये है। इस प्रकार आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिक्किम 333, हरियाणा 331 और गोवा 315। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि समय कुछ ज़्यादा हो गया है। आने वाले समय में हम मनरेगा के और वीडियो लेकर आएंगे। यदि चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर आप आपके नोट्स बनाते चलिए। आज तक यहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।